अपनी आजादी के साथ ही तमाम बाहरी संकटों से जूझते रहे इसराइल ने तेजी से तरक्की की राह पकड़ी और खुद को दुनिया में एक अलग ताकत के रूप में स्थापित किया, जिसकी ओर बड़े से बड़े देश भी आंख उठाने से डरते हैं। भारत और इसराइल लगभग एक साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन आज अर्थव्यवस्था, शिक्षा, निर्यात, आतंकवाद के निवारण और वैश्विक ताकत के मामले में इसराइल कई पायदान आगे खड़ा है। अपने जन्म के साथ ही इसराइल को शुरू से आतंकवाद और बाहरी दुश्मनों से जूझना पड़ा। इसराइल के जन्म के साथ ही अरब देशों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया, जो लंबे समय तक चला। इसके बाद फलस्तीन संगठन PLO के साथ भी उसकी लड़ाई जारी रही। एक दौर में शायद ही कोई दिन बीतता था जब इसराइल के किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी घटना न होती हो। यहाँ तक कि म्यूनिक ओलंपिक में उसके खिलाड़ियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन इसके बाद इसराइल ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख इख्तियार किया कि धीरे धीरे उसके देश से इसका नामो निशान मिट गया। आतंकियों और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ किसी तरह की मुरव्वत ना करने की नीति ने इसराइल से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की सटीकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक उसका कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फलस्तीन के आतंकी संगठन ने इसराइल के 12 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला मोसाद ने 3 दशक तक लिया और उस हमले में शामिल रहे सभी आतंकियों को बेहद खतरनाक मौत दी। उसी ऑपरेशन में शामिल रहे बेंजामिन नेतन्याहू आज इसराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आतंकियों ने जब इसराइल के जहाज का अपहरण कर लिया था, तब मोसाद ने बिना किसी की जान गवाए आतंकवादियों को मार गिराया और अपने जहाज को सकुशल रिहा करवा लिया। 1948 में आजादी पाने के बाद इसराइल ने तेजी से खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को इतना बढ़ाया कि दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादकों में उसका नाम लिया जाता है। इसराइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे तमाम विकसित देश भी उससे पीछे हैं। वायुसेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जून 1967 में जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था, तब इसकी वायुसेना ने 6 दिनों में ही एक साथ सभी को धूल चटा दी थी। इसके बाद कोई देश इसराइल के खिलाफ इस तरह हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपने जन्म के बाद से इसराइल ने अभी तक 7 लड़ाइयां लड़ी हैं, सभी में उसे एक तरफा जीत मिली है। इसराइल दुनिया का इकलौता देश है जिस पर किसी मिसाइल से हमला नहीं किया जा सकता। उसकी बड़ी वजह है पूरे देश का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होना। घरेलू कंप्यूटर के उपयोग के मामले में इसराइल पहले नंबर पर है। अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने रिसर्च सेंटर इसराइल में ही बनाए हैं। इसराइल की सीमाएं पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस हैं, जहां से किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हो सकती। इसराइल के बैंक द्वारा जारी नोटों को दृष्टिहीन भी आसानी से पहचान सकते हैं। अमर उजाला.com